नमस्कार, आज हमारे साथ बहुत ही चर्चित चेहरे मौजूद हैं, एडवोकेट आर.आर. सिंह जी, जो बहुजन समाज की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि यूपी के अंदर जो गठबंधन हुआ है, उसके पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है, बताइए। देखिए जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, उसमें मोदी जी ऐसे फंस गए हैं जैसे किसी दलदल में कोई बूढ़ा हाथी फंस जाता है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के लिए जैसे आकाश से वोटों की बारिश हो रही हो, इस तरह की वोटों की बारिश बीएसपी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लिए हो रही है। और मैं आपको बिल्कुल पक्का बड़े विश्वास के साथ बताता हूँ कि कम से कम 70 से 75 सीटें बीएसपी पार्टी और एसपी की उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगी। और ये जो आएंगी, ये वोटों का मुख्य कारण ये है कि वो दोनों आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का विकास करना चाहते हैं। और जिस प्रकार लिखतम के आगे बक्तम को कोई नहीं पूछता, हमारे मोदी साहब सिर्फ झूठी बातों से आश्वासन देते हैं, उनका कोई जमीनी कार्य नहीं है, उनका कोई बात में वजन नहीं है। और लेकिन जो भी कार्य किए गए हैं मायावती जी ने और जो कार्य समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने किए गए हैं, वो लोगों से जुड़े हैं, लोगों के डायरेक्ट दिलों से जुड़े हैं, उनके वो लोगों का संपूर्ण विकास की बातें लेकर चल रहे हैं। जो वोटें मिल रही हैं वो उनके काम के आधार पर मिल रही हैं, उनके स्वाभिमान चरित्र के आधार पर मिल रही हैं। लोगों को पता है कि जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश जी और मायावती इस तरह जैसे किसी मनुष्य की दो आंखें होती हैं और वो आंखें ही देखती हैं कि कौन हमारा भला कर सकता है, और इनका कोई विकल्प उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। 70 से 75 सीटें बीएसपी पार्टी और समाजवादी की आ रही हैं और वोटों की बारिश हो रही है। और मोदी साहब का ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद उनका वजूद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इसके बारे में जानकारी दी है और आपने हमें अपना नज़रिया बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।